उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन यानी UPSRTC की बसों को अब महिलाएं भी चलाती हुई नजर आएंगी। जी हां, UPSRTC ने 26 महिला ड्राइवर की नियुक्ति की है, जिनमें से प्रियंका सबसे पहली महिला ड्राइवर बन गई है। प्रियंका तमाम संघर्षों को मात देकर यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है। प्रियंका के पति का निधन शराब पीने के चलते जल्दी हो गया था। इसके बाद दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे बच्चों की परवरिश पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं बेहतर अवसरों के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरुआत में मुझे एक कारखाने में हेल्पर के रूप में काम करने का मौका मिला, लेकिन बाद में मैंने ड्राइविंग कोर्स में एडमिशन लिया। ड्राइविंग कोर्स करने के बाद मैं मुंबई चली गई। इसके बाद बंगाल और असम के साथ कई राज्यों की यात्राएं भी की। सर, हमारे पति की दोनों किडनी फेल हो गया था। हमारी मजबूरी सर आ गई, हमारे पे दो बच्चे थे, जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। हमें घर मकान कुछ था नहीं, तो फिर हम 2016 में सर ट्रक में गए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट। वहाँ हमें इंद्रजीत चड्डा साहब ने अपने कंपनी में चालक के, पहले तो हेल्पर के रूप में वो रखा, फिर उन्हीं के कंपनी में हम गाड़ी चलाना सीखे। तो दिल्ली से बॉम्बे चले, इधर दिल्ली से तिनसुकिया, गुवाहाटी, आसाम सब चले, बंगाल भी चले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी को महिला ड्राइवर्स को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में योगी जी और मोदी जी ने महिला ड्राइवर्स के लिए नौकरियां निकाली थी। मैंने भी फॉर्म भरा, मैंने मई में ट्रेनिंग पास की और मुझे उसके बाद सितम्बर तक पोस्टिंग मिल गई। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा वेतन भले ही कम है, लेकिन सरकार से अच्छा समर्थन मिल रहा है। 2020 में योगी जी ने और मोदी जी ने महिला चालक की वैकेंसी निकाला था, तो हमें पता लगी, फिर हम सर फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरे तो कानपुर के प्रधानाचार्य जी ने हमें 2022 में भर्ती लिया। फिर वहाँ से हम सर ट्रेनिंग करके मई में 15 मई को पास हो गए, तो सितंबर में हमें 1 सितंबर को ज्वाइनिंग कौशाम्बी मिली। फिर हमारे सर यही आज हम रोडवेज में ट्रेनिंग पे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रियंका बिहार के बांका जिले के हरदौरी गांव की रहने वाली हैं। साल 2002 में राजीव नाम के व्यक्ति से प्रियंका की शादी हुई। उनके दो बेटे हैं। ड्राइविंग कोर्स करने के बाद उन्होंने पहले ट्रक चलाने का फैसला लिया। पहले हेल्पर के रूप में काम किया, लेकिन बाद में वो ट्रक चलाने लगी। जब उन्होंने ट्रक चलाने का फैसला किया तो परिवार ने उनके इस फैसले को नामंजूर कर दिया और उनसे दूरी बना ली, लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी और संघर्षों को पार करते हुए वो यूपी रोडवेज की बसों को अब चला रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।